हे गाइस, एक्जोरा की कटिंग लगाए 25 दिन हो गए हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें कितनी रूट बनी है, ये कितने अच्छे से ग्रो हुआ है। हालांकि ऊपर से देखकर पता लग रहा है कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इस वाले कटिंग पर बर्ड भी आनी स्टार्ट हो गई है। और ये वाला देखिए, फूल खिली गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कटिंग लगाई है वो भी इसी टाइम हमने लगाया था। और इसके अलावा देखिए, एक कटिंग और मैं आपको दिखाती हूँ जो कि हमने लगाया था। बहुत ही पतली सी कटिंग थी ये, देखिए यहाँ पे। तो इन सारी कटिंग को निकालते हैं, पानी में वॉश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो सबसे फर्स्ट इसको निकालते हैं। ये देखिए, बहुत ही आराम से निकल गया, लेकिन ये लगा ही नहीं अच्छे से था। तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इसमें से निकालते हैं, देखते हैं अगर हाथ से उखड़ जाता है तो ठीक। ये देखिए, एक कटिंग बहुत ही आराम से, देखिए कटिंग टूट रही है। अब ध्यान रखूंगी कि बहुत ही आराम से स्लो निकालूंगा ना, जब रूट ही खराब हो जाएगी तो फिर हमें OMG, सारी कटिंग की रूट टूट रही है। हम इसकी मदद से निकालेंगे कटिंग को। इसमें नहीं बना है, देखिए वो सॉरी बन रहा है अभी। ये देखिए, यही काम हमने पहले किया होता तो हमारी सारी कटिंग अच्छे से निकली होती। ये देखिए, तो हम सारी कटिंग को इस पानी में डाल देंगे पहले वॉश करने के लिए, और इसको हटा देते हैं। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारी कटिंग रूट टूट गई एंड इसमें रूट बनना स्टार्ट हो रहा है। एंड इसमें की रूट टूटी है पर रूट बची भी है, सेम वही हाल इसका भी है। एंड इसमें देखिए, अभी यहाँ से रूट निकल रही है। इसमें भी देखिए, इस तरीके से बहुत सारी रूट इसकी निकल गई। कोई बात नहीं, ये सब चल जाएंगे। सभी को पानी में डाल देती हूँ। यहाँ भी एक है, आज मैं इनको लगाने वाली हूँ अलग अलग पॉट में। बहुत ही आराम से, ये जो मेरा ये वाला खुरपी है ना, ये सही नहीं है, ये बहुत चौड़ा है और कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है। ये देखिए, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसे मैं उंगली की मदद से बहुत ही आराम आराम से निकलूंगी, भले से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए पर रूट नहीं टूटनी चाहिए। देखिए, ज़बरदस्त रूट बनी है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी गहराई में रूट चली गई थी। तो इन सभी के रूट पहले हम धो लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, इसकी रूट देखिए, इसकी जो रूट होती है वो बहुत तेजी से टूटती है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एंड इसकी रूट देखिए, ये देखिए, इसकी रूट भी डैमेज हो गई, टूट गई। कोई बात नहीं, अब इसकी रूट को हम अच्छे से धीरे धीरे धो लेते हैं। एक्चुअली हमने जो ये कटिंग लगाई थी तब तो बारिश हो रही थी, पर जब से कटिंग लगाई है उसके बाद से कोई बारिश नहीं है। अगर कंटिन्यू बारिश होती तो और ज़्यादा रूट डेवलप हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी बारिश नहीं हो रही है, देखिए कब होती है बारिश। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है।
गाइस हमने देखिए ये जो सारी कटिंग है इसको अब हम लगाएंगे। इसको हमने गार्डन सॉइल और सैंड में लगाया था, तभी इसकी रूट देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप भी इस एक्सोरा फ्लावर प्लांट को इस बारिश के टाइम में जरूर से लगाएं और बहुत सारे पौधे बनाएं। तो इसकी कुछ कटिंग मैं खुद लगाऊंगी और कुछ कटिंग किसी और को दे दूंगी जिसको कि प्लांट लगाने का शौक होगा। तो मेरे पास कुछ गमले हैं 3-4, उसमें एक दो करके कटिंग लगाऊंगी, एक एक नहीं लगाऊंगी, और आगे चल के विंटर के बाद बसंत ऋतु में इनके लिए अलग अलग गमले की व्यवस्था करूंगी। तो चलिए फिर आज लगाते हैं इसको दो दो एक एक पॉट में। तो यहाँ पे देखिए हमने गमले में जो मिट्टी है वो मेरी बहुत ही अच्छी से तैयार है, तो इसको हम फटाफट से लगाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हम इसको निकाल चुके हैं और धूप भी है, तो ये धूप इसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो इसको हम लगाएंगे फटाफट से। तो ये देखिए इसको भी लगा देंगे, अच्छे से मिट्टी से इसकी रूट को कवर कर देंगे। हमारी मिट्टी गीली है क्योंकि अभी सुबह ही हमने सभी गमलों में पानी दिया और प्लांट में पानी दे रही थी तो इन गमलों में भी चला गया था। और ये देखिए एक बड़ा सपोर्ट, इसमें भी इसको लगा देंगे। ये सारी जो मिट्टियां हैं सब उपजाऊ हैं, ऐसा नहीं है कि कम उपजाऊ हैं, तो सभी मिट्टियां बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हैं क्योंकि मैं जो ये मिट्टी तैयार की हूँ ये गार्डन सॉइल और सैंड और पत्तों की खाद है। बर्मी कंपोस्ट नहीं थी उस टाइम मेरे पास, तो मैंने पत्तों की खाद ले ली। हालांकि बर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इन सभी को मैं लगा दूंगी, देखिए इसमें तो बहुत ही अच्छी रूट आई है क्योंकि इस वाले में जिसमें हमने लगाया था तो इसमें वो सैंड हमने ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाया था। सैंड क्या है, रूट को बहुत ही तेजी से फैलने का मौका देती है। और इस तरीके से देखिए इस तरीके से इसको लगा देंगे और इसमें एक और कटिंग लगा देंगे, इसमें भी रूट है देखिए। तो भाई हमारा दो गमला तैयार, तीन गमला तैयार हो गया। हालांकि ये जो प्लांट है ये बहुत छोटा रहता है, तभी से इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक ही लगाएंगे क्योंकि अभी एक ही कटिंग बची। तो होप करते हैं गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अब ये करेगा फ्लावरिंग, इतनी सारी जो कटिंग है उनमें कलियां भी बन चुकी हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस इस वाले में देखिए कली बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी कली है, और इसमें देखिए फ्लावरिंग हो ही रही है, रूट है तो फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगेगी। और इसमें भी बहुत ही छोटी सी, शायद आपको दिखे, इसमें भी कली बनी हुई है और इसमें भी देखिए कली बनी हुई है, फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से ये मेरे सारे प्लांट लग के तैयार हो गए हैं, अब इनको हम सिटी प्लेस में खाद लगाते चले जाएंगे। और इसमें जो खाद वगैरह है वो पहले से ही मिला हुआ है, तो आप बस देखते जाइए कि किस तरीके से कटिंग लगती है। तो गाइस देखिए फाइनली मैंने कटिंग लगा दी है और अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लगाई है। तो देखिए यहाँ से देखिए रूट निकल रहा है, तो बस इसको 2 से 3 नोड एरिया अंदर घुसेर देना है, मतलब घुसा देना है, और ये कटिंग अपने यहाँ पे चल पड़ेगी। ये देखिए, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि जो मैंने पहले की कटिंग लगाई थी इसी तरीके से उसका क्या रिजल्ट है। और ये वाली ब्रांच देखिए इसमें रूट ही रूट है, तो इसको अगर कहीं भी इस तरीके से दबा देंगे तो इसमें से देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांच निकल जाएगी इस तरीके से। अब इस पर पानी दे देना है हल्का सा, ताकि जो स्पेस है वहां पे मिट्टी और पानी दोनों चला जाए, रूट को हवा ना लगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने सारी कटिंग अपनी लगाकर यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे छांव भी रहेगा, अगर धूप कभी कभी हो गई तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये वाली कटिंग देखिए हमने लगाई है 3-4 दिन पहले, और ये देख रहे हैं आप इसके पत्ते देख रहे हैं कितने फ्रेश हैं। तो अभी अब मैं आपको इसको उखाड़ के दिखाती हूँ, देखिए 3-4 दिन पहले लगाया था इसको इसी तरीके से। ओ देखिए गजब की रूट है, देखिए देखिए देख सकते हैं पूरी की पूरी रूट निकल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन हुए होंगे। ये देखिए, तो दोबारा मैं लगा दूंगी, होप कि ये चल जाए दोबारा, वैसे चल ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से जैसे लगाया था, इसीलिए देखिए इसकी पत्ते एकदम से ग्रीन है अभी भी इस तरीके से।
हल्के हाथ से दबाऊंगी, क्योंकि इसके रूट है जो वो नए नए हैं, वो टूट भी सकते हैं। और छोटे छोटे कटिंग लगाने का ये बस मेरा मकसद था कि जो हमारे प्लांट एक्सोरा के तैयार हों वो काफी बुसी बुसी हों, ऐसा ना हो कि एकदम ऊपर जाके फिर फूल और पत्ते हैं। ये देखिए हमने लगा दिया। तो गाइस होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।